अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल मेंबर्स। देखें जिन मेंबर्स ने बी नेटवर्क को ज्वाइन किया हुआ है ना माइनिंग ऐप को, तो उसकी केवाईसी ऑन हो चुकी है। जल्दी से जाके अपनी अपनी केवाईसी सबमिट कर दें। तो जैसे ही आपने अपनी एप्लीकेशन ओपन करनी है तो आपके सामने प्रोफाइल का ऑप्शन होगा, तो आपने प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा, तो आपने केवाईसी वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा, तो आपने ये मार्क मैंने कर दिया है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पे। तो फिर आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा, तो आपने कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा, तो आपने क्या करना है, गियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपने अपनी कंट्री पाकिस्तान, ये देखें पाकिस्तान सेलेक्ट करके आपने कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने सेलेक्ट करना है। आपके पास अगर पासपोर्ट अवेलेबल है तो आपने पासपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कंटिन्यू करना है। आईडी कार्ड है तो आपने आईडी कार्ड पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। फिर आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा, तो ऊपर आपने क्या करना है, जो आपके आईडी कार्ड पे नेम लिखा हुआ है तो आपने वहाँ ऊपर वाले ऑप्शन पे अपना वो फुल नेम लिखना है। कोई मसला नहीं, आपके पास अगर सिंपल आईडी कार्ड उर्दू वाला है तो आपने यहाँ पे इंग्लिश वाला नेम ही लिख देना है, इंग्लिश में ही लिख देना है। नीचे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिख देना है, और जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लें, पुट कर लें, तो आपने कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, कंटिन्यू ही कर देना है। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, क्या जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे ना तो आपके सामने आईडी कार्ड की पिक्चर का एक दायरा बन के आ जाएगा, तो आपने वहाँ पे सेंटर में बिल्कुल आईडी कार्ड रख के वहाँ पे पिक ले लेनी है। आगे स्टार्ट का ऑप्शन है, जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आईडी कार्ड की पिक्चर आपने वहाँ पे देनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे आईडी कार्ड वाली पिक्चर दे के, तो आपके सामने लाइव कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर ये देखें बिल्कुल ऑप्शन बना हुआ है, तो आपने इधर अपना बिल्कुल फेस देना है, इधर उधर नहीं होना चाहिए, और आपके पास लाइट भी अच्छी होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे जैसे ही आप अपना फेस इधर लेके आए ना, तो आपने स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है, तो आगे आपने आपको समझ आ जाएगी। तो जैसे ही यह कंप्लीट हो जाए तो आपने आगे वाला बटन प्रेस कर देना है। तो फिर ये देखें अंडर रिव्यू आपकी जो मतलब केवाईसी एप्लीकेशन होगी वो सबमिट हो जाएगी, तो आपने गो अहेड पे क्लिक कर देना है। ये देखिए मैंने केवाईसी अपनी कर ली है, अभी अभी की है कुछ देर पहले, तो मेरी अभी अंडर रिव्यू जा चुकी है, तो आपने ऐसे ही कर देना है। तो फिर आपको ये ऑप्शन आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो हो जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर आपके सामने ये देखें, ये मेरी केवाईसी इन प्रोसेस है, मैंने अभी की है ना, तो इसका अभी रिजल्ट नहीं आया, वेरीफाइड नहीं हुआ मेरा अकाउंट। तो आपने अभी अपनी जल्दी से केवाईसी कर लेनी है। अगर आपने बी नेटवर्क को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो जल्दी से ज्वाइन भी कर लें।